दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। आज मैं आपके लिए एक 80 शब्द प्रति मिनट की 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा। डिक्टेशन बोलने से पहले डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं पहले उनकी आउटलाइनें आपको बना के बताऊँगा और इसी वीडियो में मैं आपको डिक्टेशन बोलूँगा। यदि आप डायरेक्ट डिक्टेशन को लिख सकते हैं तो डायरेक्ट डिक्टेशन लिखिए, और यदि आपको डिक्टेशन लिखने में दिक्कत होती है तो उन लोगों के लिए मैं इन शब्द चिन्हों को बना के बता रहा हूँ। पहले इनको देखें, इसके बाद में आप डिक्टेशन लिखने का प्रयास करें। डिक्टेशन लिखने का सबसे आसान तरीका यही है स्पीड बढ़ाने का कि पहले डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं उनकी आउटलाइनें बनाइए, उसके बाद में डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद डिक्टेशन को लिखने का आप प्रयास करें तो आपकी डिक्टेशन अच्छे से लिखेगी, गलतियां निरंतर कम होगी और स्पीड आपकी निरंतर बढ़ती जाएगी। ये तरीका है। और यदि इसके बाद भी आपको डिक्टेशन लिखने में दिक्कत होती है, आपकी डिक्टेशन नहीं लिखी जाती, गलतियां काफ़ी आती हैं, यदि आप शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं, चाहे आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हों या रिपोर्टर की, तो सभी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासें सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। आपको ऑनलाइन क्लास किस तरह से ज्वाइन करनी है इसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन करना है। अब मैं आपको ये शब्द बना के बता रहा हूँ शॉर्ट हैंड में, पहले देखें उसके बाद में बनाने की कोशिश करें। सबसे पहला है भारतीय लोकतंत्र, इसको बनाएंगे भारतीय लोकतंत्र, जो हो गया भारतीय लोकतंत्र। इसके बाद में है चिंताजनक यह है कि, चिंताजनक यह है कि, हो गया चिंताजनक यह है कि। इसके बाद में है चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया, हो गया चुनाव प्रक्रिया। आगे है पारदर्शी है, पारदर्शी है, पारदर्शी है। इसके बाद में है राजनीति और चुनाव, राजनीति और चुनाव, हो गया राजनीति और चुनाव। आगे है सभी राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल। इसके बाद में है बहस हो चुकी है, बहस हो और ये चुकी है, हो गया बहस हो चुकी है। आगे है खर्च करने वाले, खर्च करने वाले, ये हो गया खर्च करने वाले। इसके बाद में है लोकसभा सीट के लिए, लोकसभा सीट के लिए, ये हो गया लोकसभा सीट के लिए। के बाद में है गौरवमयी इतिहास, गौरवमयी इतिहास, हो गया गौरवमयी इतिहास। आगे है ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि। आगे है विकसित देशों, विकसित देशों, बहुवचन हो गया विकसित देशों। इसके बाद में है हिसाब किताब, हिसाब किताब, हिसाब किताब। इसके बाद में है काले धन, काले धन। आगे है भली भांति, भली और ये भांति, भली भांति। इसके बाद में है समय समय पर, समय समय पर।
आगे है तय सीमा से अधिक, तय सीमा से अधिक, ये हो गया तय सीमा से अधिक। इसके बाद में है ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं। इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस करें, और अभी मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी, भारतीय लोकतंत्र में गौरवमय इतिहास के कुछ स्याह पक्ष हैं, और उनमें से एक है चुनावों में धन का इस्तेमाल। चिंताजनक यह है कि चुनावों में धन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि खर्चीले चुनाव केवल भारत में ही होते हैं, चुनाव प्रक्रिया अन्य अनेक देशों में भी खासी महंगी है। लेकिन ऐसे देशों और खासकर विकसित देशों में चुनावी चंदे की प्रक्रिया कहीं अधिक पारदर्शी है। इसके चलते इन देशों में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों पर ऐसे आरोप बहुत कम लगते हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए काले धन या बिना हिसाब किताब वाले पैसे का इस्तेमाल किया। भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ चुनावों में पैसे की भूमिका बढ़ती जा रही है, इसलिए लोगों के मन में यह धारणा घर करती जा रही है कि राजनीति और चुनाव काले धन से संचालित है। ऐसा नहीं है कि चुनावी चंदे यानी धन की ज़रूरत केवल लोकसभा या विधानसभा चुनावों में ही पड़ती हो। यह जरूर ज़रूरत पंचायतों, स्थानीय निकायों और यहाँ तक कि छात्र संघ के चुनावों में भी पड़ती है। इस सच से सभी राजनीतिक दल भली भांति परिचित हैं। इस पर तमाम बार बहस हो चुकी है कि चुनावी चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी कैसे बनाया जाए। इस क्रम में समय समय पर जो कदम उठाए गए वे भी चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं बना सके। वैसे तो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने चुनावी खर्च का विवरण हलफनामे के जरिए देना पड़ता है, लेकिन सब जानते हैं कि यह केवल दिखावटी खाना पूरी होती है। तय सीमा से अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशी दस्तावेजों में यही दिखाते हैं कि उन्होंने उतना ही पैसा खर्च किया जितने की अनुमति है। वर्तमान में बड़े राज्यों में प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपए है। इतना धन तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है। आमतौर पर विधानसभा और लोकसभा चुनावों में औसत प्रत्याशी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन समाजवादी सोच के तहत जानबूझकर यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि वे कम पैसे में चुनाव लड़ लेते हैं। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन, और उसमें दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं उनकी आउटलाइन दोनों ही मैंने एक ही वीडियो में आपको बना करके बता दी हैं। आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। यही एक अच्छा क्रम है
प्रैक्टिस बढ़ाने का शॉर्ट हैंड की और गलतियां कम करने का। शुरुआत में आपको इसी प्रकार से शॉर्ट हैंड को सीखना है, यानी डिक्टेशन को इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद यदि आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है, आपकी शब्दों पर पकड़ मजबूत हो जाती है, तो आप अनसीन कर सकते हैं, डायरेक्ट डिक्टेशन को लिख सकते हैं। दोनों ही व्यवस्था इस डिक्टेशन में है, चाहे आप आउटलाइनों को पहले कर लें उसके बाद में डिक्टेशन लिखें, या डायरेक्ट डिक्टेशन को लिख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाया जाए और ऑनलाइन क्लासें किस प्रकार से ज्वाइन की जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।